ऐसी बड़ी बड़ी बिजनेस वुमेन है भारत के अंदर वर्ल्ड वाइड, जिनके काम लोग सैल्यूट करते हैं और जिन्होंने जोरों से स्टार्ट किया। तो आपको डिसीजन में दम होना चाहिए, डिसीजन रैशनल होना चाहिए, डिसीजन एनालिटिकल होना चाहिए और तथ्यों के बेस पे होना चाहिए, और आपको उस डिसीजन पे अड़े रहना है अगर वो डिसीजन सही है तो। आप जिस एज पे है ना, इस एज पे डेविएशंस, भटकाव बहुत ज्यादा है लाइफ में। उस भटकाव को ध्यान में, सबसे बड़ी बेड़ी जो है, सबसे बड़ा लिमिटेशन वो भटकाव है। अच्छी मूवी आई देखने जाना है, अच्छा गाना है सुनना है, अच्छी पार्टी हो रही है अटेंड करना है, सामाजिक एक्टिविटीज में भी जाना है। उनको कंट्रोल करके सिर्फ अपने ड्रीम के पीछे भागो। डिसीजन मेकिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होता है आप और मैं समय समय पर अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसको अवसाद कहते हैं। प्रिंसिपल मैडम ने चीज बोली थी। तो जो डिप्रेशन है वो क्या होता है, क्यों आता है? जब मेरे हिसाब से चीजें नहीं चल रही होती है तो डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन उसके कारण नहीं आता, डिप्रेशन क्यों आता है, क्योंकि मेरी इच्छाएं गलत थी और मैं उसको कुछ जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट कर रहा था। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, पर फेल होने के बाद अपन डिप्रेशन पे आ जाते हैं, दोबारा ट्राई नहीं करते। फेलियर इज फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, हम ये जानने को ही तैयार नहीं। तो डिप्रेशन से बाहर निकलना, कैसे निकलना है, उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन क्या होता है, बहुत ही टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल चीज नहीं है, और उसमें मेडिटेशन में किसी धर्म का डोमिनेंस भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन का सबसे पहला स्टेप होता है विजुअलाइजेशन। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना है, अपने घर में रिलैक्स्ड बैठना है, एक अच्छे वातावरण में बैठना है। ये हेडफोन ऐसे वाले अपने कान में लगा लो, बहुत बहुत प्यारी सी म्यूजिक सुनना है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, गाना नहीं सुनना, बहुत प्यारा सा गिटार का म्यूजिक हो गया, पियानो का म्यूजिक हो गया, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सुनिए। आंख बंद करिए, म्यूजिक चालू करिए और अपने सपनों को आंखों के सामने चलने दीजिए। अपने सपनों को आंखों के आगे चलने दीजिए। आप आंख करिए, आपने सोचा आप पुलिस में जाना चाहती, तो आप आंख बंद करिए, आप अपने आप को एक एसपी के, एक डीएसपी के ड्रेस में देखिए, आप अपने चेयर में देखिए, आप देखिए कि लोग आपको सैल्यूट कर रहे हैं। आप अपने आप को डीएम कलेक्टर बने देखना चाहती थी, आप उस चीज को विजुअलाइज करिए। आप अपने आप को बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन के रूप में देखना चाहते थे, विजुअलाइज करिए। आप फाइटर पायलट बन के अपने आप को विजुअलाइज करिए, रोज सवेरे विजुअलाइज करिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। रोंगटे खड़े हो गए मतलब आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। यहाँ से शुरू होता है थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर बुक लिखा है, रोंडा बर्नर बुक लिखा है, द सीक्रेट्स। और जब थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा तो वैसे लोग मिलना शुरू होंगे, वैसा वातावरण मिलना शुरू होगा। आज मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा कि अगर मैं निगेटिव मेंटेलिटी वालों के साथ, डिप्रेस्ड लोगों के साथ, दुखी लोगों के साथ, निगेटिव बोलने वालों के साथ उठना बैठना कर रहा हूं तो मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, मेरी एनर्जी चूस लेते हैं। तो मुझे हमेशा से अपने दोस्त, कितने भी देखो थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा, दोस्ती उसी से करो जो खुश मिजाज हो, दोस्ती उसी से करो जो कि हर सिचुएशन को चैलेंज के रूप में लेता है, दोस्ती उसी से करो जिसके अंदर तुमको लगता है कि एनर्जी भरपूर है, और निगेटिव लोगों से दूर होना शुरू हो जाओ। ये आपके एनर्जी को खत्म करके आपको किसी काम का नहीं छोड़ने वाले। तो थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन की बात हो गई, मेडिटेशन की बात हो गई, पॉजिटिव एनर्जी की बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज क्या होती है, मैडम ने फिर से बोला था ये, सुचिता मैडम जब बता रही थी उस समय इन्होंने बताया था, सोशल मीडिया ये बहुत ही निगेटिव चीज है। एग्रीड, सोशल मीडिया निगेटिव चीज है, पर मैं ये कहता हूँ सोशल मीडिया से पॉजिटिव चीजें आप निकालना सीखो। फेसबुक के अंदर आपका लॉगिन है, फेसबुक के अंदर आप जिस कोर्स को कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, उसके ग्रुप्स हैं, आप उस ग्रुप के अंदर चले जाओ, वहां पे उन चीजों को डिस्कस करो। इंस्टाग्राम के अंदर फालतू के रील्स होते हैं, पर मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम के अंदर मोटिवेशनल रील्स भी भरे पड़े, आप उनको देखने का काम शुरू करो। प्रिंटरेस्ट करके एक जगह, उसके अंदर कोटेशंस आपको अच्छे अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करो। YouTube और Google आज के टाइम में वरदान है। YouTube हम क्यों यूज करते हैं, गाना सुनने के लिए।
अब मैं आपसे कहता हूं, विश्व का हर सक्सेसफुल आदमी, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत, हर सक्सेसफुल व्यक्ति ये कहता है कि बुक्स पढ़ो, लाइफ सुधरेगी, माइंडसेट चेंज होगा। अब आप ये बताओ, सवेरे से रात तक मेरे पास और आपके पास बुक पढ़ने का समय कहां पर है? तो बुक्स पढ़े कैसे? तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। पूरी एक मोटी बुक को 16 मिनट में, आधे घंटे में, सवा घंटे में उसने समराइज कर दिया, फ्री में मिल रहा है। रीडर्स बुक क्लब में चले जाओ या ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के बुक्स पे चले जाओ, हर चीज पे बुक है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है तो उस पर बुक अवेलेबल है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं लगता तो उस पर बुक अवेलेबल है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो उस पर बुक अवेलेबल है, मैं डिसीजन नहीं ले सकती इस पर बुक अवेलेबल है। यूट्यूब पे सर्च करना, ऑडियो बुक पढ़ना, सुनना है। कब सुने? उस समय सुनो जिस समय आप हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हो। ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, बात की बात है, धीरे धीरे ध्यान लगने लग जाएगा। फिर आपको उस पर इंटरेस्ट आने लगा तो कुकू FM इंस्टॉल कर लो, उसके अंदर पूरे के पूरे बुक्स हैं, चैप्टर वाइज सुनना शुरू करो। आप देखोगे अनजाने में जाने में आपका माइंडसेट चेंज होने लगेगा। और हर सक्सेसफुल आदमी बोलता है अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा संगत रहो। बस ये दो चीजें तो करनी है, अच्छी किताबें, अच्छा संगत, अच्छा रास्ता डेफिनेटली बता देंगे। अब मैं कोई आपसे कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको जाके जंगल में जाके तपस्या करना है। आधे घंटे में आराम से एक ऑडियो बुक आप रोज सुन सकते हो, शाम को सुन लो, रात को सोते समय सुन लो, आप कॉलेज में जब बैठे हो खाली समय में सुन लो, गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो उस समय कम आवाज पे सुन लो, बस में बैठ के स्कूल जा रहे हो कॉलेज जा रहे हो आधे घंटे का समय लगता है उस समय सुन लो, अपने ही मोबाइल पे उसको कहीं पर नोटपैड में ले, उसको अच्छे वर्ड्स को सेव कर लो। देखो माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा, आप अपने सपनों के पास जाने लगेंगे। क्योंकि मेरा जो समय था वो 11-12 बजे से 1 बजे तक का था, 1 बज चुका है, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ों को सम अप करना चाहूँगा। मेरा बताने का जो शैली है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने सपने देखे हैं और आपके सपनों में दम है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके सपनों से दूर नहीं कर सकती। वो एक आप ही हो जो अपने सपनों से अपने आप को दूर कर सकते हो। जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, ये जो सबसे बड़े दुश्मन हमारे सपनों के पास जाने में, वही हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं, अच्छे सपने देखो अगर देखना शुरू नहीं किया है तो, सोशल वेलफेयर के लिए समाज को कुछ करके जाऊं ऐसा कसम खाओ और उसके लिए अपनी एनर्जी को डाल दो। लोग जुड़ते जाएंगे आपके साथ, तय मानो, क्योंकि थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन की सच्चाई है, लोग जुड़ेंगे, रिसोर्सेस मिलेगा और आप उस पद पर आगे बढ़ोगे। अगर आपने देखा है कि किसी महिला का अत्याचार आपके सामने हुआ है तो आप किसी पावरफुल पोस्ट पे जाओ, आप कलेक्टर बनो, आप SP बनो, आप जुडिशियल सिस्टम में जाओ और न्याय दिलाने का काम करो जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको। आप देख रहे हो कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब है तो आप स्टार्टअप शुरू करो, आप एंटरप्राइज शुरू करो, उनको नौकरी दो। आपको लगता है बच्चों को पढ़ाए तो आप एक अच्छे शिक्षक बनो, उनको सपने दिखाओ, उनके सपने को पूरा करने में काम करो। ये काम आप चाहो चाहे ना करो, चाहो आप करते हो। आपके बच्चे होंगे, आप उनके लिए टीचर बनोगे, तो मैं कहता हूं समाज के लिए टीचर बनो। भर दो अपनी जिंदगी को ऐसी कहानियों से कि लोग आपकी कहानी आपके जाने के बाद याद रखें, आपके कार्यों को याद रखें। अब मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो हमारी राष्ट्रपति महोदया का बायोग्राफी एक बार आप YouTube पे देखना, गर्व हो जाएगा आपको उनके ऊपर। अब सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन जो छोटे परिवार से हैं उनके बायोग्राफीज देखो। एक बच्ची है, अभी मैं उसका अगर लिंक होगा तो मैम को शेयर करूंगा, आप लेना। वो ना, उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे और उसकी माताजी जो थी वो घर में साफ सफाई का काम करती थी, और वो IAS क्रैक करिए, वो बच्ची इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्रैक करिए बिना ट्यूशन बिना कोचिंग के। उसके पिताजी ने उसको एक छोटा सा मोबाइल दिया था, इंटरनेट पैक वाला, वो मोबाइल जो हमारे लिए दुश्मन बना, वो मोबाइल उसके लिए टीचर बन गया था। तो देखो भैया, ये जो गैजेट है ना, ये दोस्त है, या तो ये तुम्हारे को एक गलत डायरेक्शन में ले जाए, दोस्त या तो गलत डायरेक्शन में जाता है या अच्छे डायरेक्शन में, तो या तो तुमको एक गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा या अच्छे में लेके जाएगा। सोच लो क्या यूज करना है।
तो ये फोरम मैं अब ओपन करता हूँ विद द ड्यू परमिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटर मैम, और बच्चे अगर कुछ मुझसे सवाल पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम. एनीबॉडी माइक ऑन करिए, सवाल पूछिए. यदि कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो करें. धन्यवाद सर. थैंक यू मैम. सर आपके ने जितनी भी चीजें बताई वो बहुत ही सारगर्भित थी, और ऐसी उम्मीद है कि हमारी छात्राओं के साथ साथ हम लोग भी इसका बहुत लाभ उठाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. नमस्कार सर, आपने अपने उद्बोधन में समस्त छात्राओं को मैं देखने के लिए कहा, साथ ही ये बताया कि हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं, हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, और इस हेतु हमें दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया. हमें आपने बताया कि हम आत्मचिंतन से विषम परिस्थितियों का सामना करके हम सफलता अर्जित करें. हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं और हम अपने विचारों को कम्युनिकेट करें, साथ ही हमारे निर्णय लेने की क्षमता अभूतपूर्व विकसित करने की कोशिश करें. इन समस्त प्रक्रियाओं के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व विकास की और बढ़ सकेंगे, अच्छी तरह से विकसित कर सकेंगे और समाज के लिए एक आदर्श नागरिक बनने का प्रयास कर सकेंगे. मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हम सभी पार्टिसिपेंट्स को एक प्रेरक उद्बोधन देने का कष्ट किया. धन्यवाद सर, और भविष्य में भी आप इस तरह हमसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़कर हमारी छात्राओं को प्रेरित करने का कार्य करने में मदद करेंगे. हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं. आप स्वस्थ रहें और अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए हमारे राष्ट्र को उन्नत दिशा में बढ़ाने में संकल्पित रहें. मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ. धन्यवाद सर. हमारे अगले वक्ता डॉक्टर कमांडर भूषण दीवान जी जुड़ चुके हैं. आप के नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं. आप 2019 में यूएन बिजनेस फोरम के सदस्य थे, टीसीएस के वाइस प्रेसिडेंट थे, और साथ ही साथ अनेक विश्वविद्यालयों के प्रो वाइस चांसलर और वाइस चांसलर के रूप में आप कार्यरत थे. मैं आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, एवं आपका पुनः स्वागत करते हुए आपको इस वेबिनार में आमंत्रित करती हूँ कि आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हुए हम सभी प्रशिक्षणार्थियों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित अपना तेजस्वी भाषण देने का या प्रेरक उद्बोधन का. धन्यवाद राजनीति सिंह जी, और धन्यवाद डॉक्टर आभा खरे, मुझे ये मौका दिया आप लोगों ने दोबारा से सतना के नवयुवतियों से नवयुवकों से मिलने का. मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ, शायद कईयों को पता नहीं होगा, मैं फौज में 71 की लड़ाई लड़ने के पहले 71 की लड़ाई लड़ी मैंने, और एनडीए खड़गवासल में मैं गया 1968 से 1971 तक. और उसके पहले मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि 1962 से 1968 मैं सैन्य स्कूल रीवा में पढ़ा हूं. उन दिनों रीवा से सतना रेलवे लाइन में नहीं थी, और मैं सोनीपत का हूं, सतना और सोनीपत में काफी सिमिलरिटीज ही हैं. मैं वहां से आता था
बाय ट्रेन वंस 6 मंथ्स, तो ये मेरा रिश्ता रीवा से है 6 साल तब, और उसके बाद 50 साल बाद मतलब 62 में मैं आया रीवा में एज ए 11 साल का बच्चा 5वीं क्लास में रीवा में पढ़ने, और उसके बाद मैं एनडीए खड़गवासल में सिलेक्ट हुआ, और 62 + 50 2012। और मुझे खुशी बताते हुए ये है कि 50 साल बाद 2012 में मैं AKS यूनिवर्सिटी सतना जो शेरगंज में है वहाँ प्रति कुलपति बन के आया। तो 25 साल की मेरी सेवा फौज में रही, एज ए कमांडर में रिटायर हुआ, उसके बाद मैं 10-12 साल TCS में वाइस प्रेसिडेंट, अदानी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा, 10-12 साल कॉर्पोरेट में रहा, और उसके बाद मैं एजुकेशन में आया, तो पहला प्रो वाइस चांसलर सतना में, फिर मुंबई श्रीधर यूनिवर्सिटी सोमैया यूनिवर्सिटी में प्रोवोस्ट दैट इज वाइस चांसलर, और फिर अभी लास्ट अगस्त 2022 एक साल पहले तक मैं कुलपति था पिलानी में श्रीधर यूनिवर्सिटी में। मैं कहना ये चाहता हूं कि मेरे लिए, मैं समझता हूं कई लोग कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ को देख के कह सकते हैं कुछ भी किया जा सकता है, पर मैं समझता हूं आप यंग लोग जो हैं उनके लिए तो एकदम वाजिब लागू है 100% चीज। आपके पास उम्र है, आपके पास टाइम है, आपके पास शक्ति है, कुछ भी हो सकता है। आप टॉप एक्ट्रेस बनना चाहें, टॉप बिजनेस वुमन बनना चाहें, टॉप पॉलिटिकल लीडर बनना चाहें, टॉप एडवोकेट बनना चाहें, टॉप CA बनना चाहें, टॉप साइंटिस्ट बनना चाहें, कुछ भी हो सकता है, ये सच्ची बात है। मैं सत्यवर्धन जी को सुना कुछ 15-20 मिनट लास्ट में उनके उद्बोधन में, तो यही चीज ये है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया कि हार गए तो आप हार गए, और अगर आपने ठान लिया मैं जीतूंगा, जीत रहा हूं, तो ये आपकी जीत होगी। पर क्या है, सर ने विजुअलाइजेशन का भी काफी बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बताया एंड में, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुद करना है। हम भारतीयों में कमी है, हम बोलते बहुत है करते कम है, और ये हमने करना है, किया नहीं हमने तो ये उसके बगैर कुछ मिलेगा नहीं अपने को, तो वो करने वाली बात अगर छोड़ेंगे हम तो हम पीछे रह जाएंगे, उसके बजाय वो अगर रखते हैं तो आपके पास अभी तो क्या है, इंटरनेशनल में भी, अब इंटरनेशनल वर्ल्ड में पूरे दुनिया में इंडिया का बोलबाला है, इंडिया के हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आप मुझे बताएं, ये 17 में जब मैं था कोदो, 17 से रीवा जाओ तो रास्ते में कोदो की खेती बहुत है, अब वो जो ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है, ज्वार बाजरा कोदो, ये दुनिया में फेमस हो रहा है, तो अभी मौका है सतना रीवा, और अभी इसरो का चंद्रयान हुआ है, अखबार में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने पढ़ा है, रीवा सतना के कई 3-4 साइंटिस्ट और लोगों ने उसमें, और वैज्ञानिक ने और दूसरे अफसरों ने योगदान दिया उसमें। और आप एक और चीज देखिए, ये इंडिया की शताब्दी आ रही है, क्यों देखिए, आप देखिए इस अभी नासा का कुछ लॉन्च होता है, अमेरिका में नासा है, इंडिया में इसरो है और अमेरिका में नासा है, जब नासा में लॉन्च होता है कुछ भी तो उसमें आप देखिए कई भारतीय होते हैं, ठीक है ना, विदेशी होते हैं, भारतीय होते हैं, आप इसरो के देखिए वीडियो सारे भारतीय हैं, विदेशी कोई नहीं है, ये हमारी ताकत, और ये ताकत उभर रही है अभी। बात यह है कि इसलिए आपको मौका है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर मैं ये समझता हूं सबसे बड़ी बात यह है, हमको माँ बाप बोल देते हैं कि देखो आप, मैं कल पढ़ रहा था कोटा में, कई बच्चों ने कल सुबह सुबह अखबार में पढ़ा, आज 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, क्यों, बच्चे माँ बाप उनको फोर्स कर देते हैं, जाओ भाई मेडिकल की तैयारी करो, नीट के लिए फोर्स कर देते हैं, जाओ भाई IIT के लिए तैयारी करो, या जाओ भाई IAS के लिए तैयारी करो, तो क्या होता है, बच्चे का मन नहीं होता है, या बच्चे की तैयारी पूरी नहीं होती है, या बच्चे की खुद कैपेबिलिटी भी उतनी नहीं है, तो हम स्वालोकन करते नहीं, मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या है, आर्टिस्ट छुपा हुआ है मेरे अंदर, क्या है बिजनेस छुपी हुई है मेरे अंदर, क्या है पॉलिटिशियन छुपा हुआ है मेरे अंदर, क्या है फौजी अफसर छुपा हुआ है, अब तो लेडीज के लिए भी ओपन है, एनडीए में भी जाने लग गई लेडीज इस साल से, जनवरी से, तो मतलब सवाल ये है कि सबसे पहले तो हम ये करें, सबसे पहले खुद का आंकलन करें कि मैं क्या हूं, कौन हूं, और डायरी में लिखें, हवा में दिमाग में ना चलता रहे, दिमाग में कई बातें चलती रहती, हम समझते हैं बहुत कुछ जानते हैं, सब समझ आ गया, नहीं आया, आप डायरी रखें, आज से लेक्चर के बाद पहला काम तो एक ही करें,
बढ़िया सी नोटबुक खरीदें, स्पाइरल बाउंड, बताओ डायरी रखें और रोज उसमें कम से कम एक पन्ना लिखें शाम को, उसमें अपने विचार ड्रीम्स पर ख्याल करें, डायरी को लॉकअप करके रखें। डायरी अगर किसी और ने ले ली तो कई बार डायरी में ये आदमी चीजें लिखता है कि पकड़ा जाए बाद में मैंने क्या लिख दिया है, वो भी बच के रहें आप। तो आप यंग लोग हैं, मुझे पता है डायरी में और भी कुछ चीजें आ सकती है, पर वो चीज ना करें। आप ये लिखें कि मेरे को लगता है ये टॉप तीन चीजें मैं कर सकती हूं, क्या? मैं बिजनेस वूमन बन सकती हूं, मैं टीचर बन सकती हूं, मैं साइंटिस्ट बन सकती हूं, अपना टॉप तीन, प्रायोरिटी वन, प्रायोरिटी टू, प्रायोरिटी थ्री, जो भी आपकी है। हर चीज तो मिलने वाली नहीं अपने को, कोशिश तो, अंग्रेजी मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, हम तो कोशिश करेंगे, असफलता भी मिल सकती है, तैयार रहें। तो आप तैयारी करें, मैं क्या कर सकती हूं, मेरी काबिलियत क्या क्या है, मेरी इच्छा क्या क्या है, मेरी स्किल्स क्या क्या है, मैं बात करने में होशियार हूं, मैं एनालिसिस में होशियार हूं, मैं मैथमेटिक्स में होशियार हूं, और एनर्जी भी मेरे में है, जो भी आप देखिए, हर एक में हर एक चीज नहीं होती। तो मैं अपना पॉजिटिव और अपने नेगेटिव की एक इन्वेंट्री बनाऊं, लिस्ट बनाऊं, मेरे पास क्या क्या प्रतिभाएं हैं और क्या क्या कमियां हैं, होती हैं, उन पे भी काम करेंगे बढ़ाने को, और उसके चलते ये तीन टारगेट मैं पकड़ती हूं। तो आंकलन करें और धीरे धीरे महीने में, दो महीने में, तीन महीने में आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अभी मैं 15-18 साल की हूं, 16 साल की हूं, जो भी हूं, तो मुझे जो है 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर या मेरी लाइफ जो है, इट शुड बी नोन एज टॉप बिजनेस वूमेन। मैं समझती हूं हो सकता है, अभी माता पिता से बात करें, किसी और से बात करें, उसको रिफाइन करें। तो सबसे पहली बात यह है, क्लियर करें अपना एम, क्लियर करें अपना गोल कि मैं क्या हो सकती हूं। उसके पहले एक चीज ये सोचना, मैं क्या बनूं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊं, इससे अच्छा सोचना यह है कि मैं किस चीज में, सुनिए ध्यान से, किस चीज में सबसे ज्यादा योगदान दे सकती हूं। क्या मैं एनवायरमेंट में, सड़कों बनाने में, सड़कें बनाने में, बनाने में, ट्रैफिक कंट्रोल में, हेल्थ में, कितने प्रॉब्लम्स हैं? अब देखिए, 1951 की आबादी इंडिया की थी 35 करोड़, आज आबादी कितनी है? 140 करोड़, चार गुना। दुनिया की छोटा सा गोला है पृथ्वी, इस पे 40 करोड़, इस पे 200 करोड़ लोग रहते थे 50 साल पहले, 1950 में, 75 साल पहले, आज लगभग 75 साल, आज 800 करोड़। तो प्रॉब्लम तो बढ़ ही रहे हैं, जंगल तबाह हो रहे हैं, पानी तबाह हो रहा है। एग्रीकल्चर का तो नहीं हूं मैं बंदा, पर मैंने काफी कुछ सीखा और एमटेक आईआईटी दिल्ली से मैंने किया हुआ है, पीएचडी मैंने ह्यूमन राइट्स में की हुई है। तो ये भी अगेन बताता है, कुछ भी हो सकता है, आप कोशिश करें तो कुछ भी हो सकता है। कोई आइंस्टीन नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं चाहिए, कोई बहुत ताकत नहीं चाहिए, बस आपका पक्का इरादा, जो पिछले स्पीकर साहब भी कह रहे थे, तो अभी उनका नाम नहीं देख पा रहा हूं, नाम भूल रहा हूं। तो आपने ये समझना है, पहले आंकलन करके चले, ऐसे ही ना कूद जाए, मैं ठंडे समुद्र में कूद रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, तालाब में कूद रहे हैं, पहले समझे आप क्या है, उसमें गलती हो सकती है, रिफाइन होगा, पर तीन पॉइंट लिखे मैं क्या कर सकती हूं। तो हम आंकलन नहीं करते। अब मेरा क्या था, मैं सोनीपत से आया, रीवा में आया, 6 बच्चे थे, हमको माता पिता ने कहा भाई देखो भाई, मैं एल्डेस्ट था, चलो भाई मैं अगर मैं सैनिक स्कूल में आया और एनडीए में चला जाऊंगा तो मैं 16 साल की उम्र में सरकार का जवाई बन गया, एनडीए में मेरी फीस वही दे रहे हैं, सरकार दे रही है, ट्रेनिंग करा रही है, और अफसर बनना पक्का है, और 1900 मैं अफसर बन। तो आपके लिए क्या है, आपके आजकल वो चीजें नहीं है, आजकल तो ये है कि कैसे रीवा में आया, कहां सोनीपत दिल्ली के आगे, कहां रीवा, उन दिनों रीवा तक ट्रेन भी नहीं थी, मैंने बताया आपको, तो कैसे आया, मेरे फादर ने पूछने गए किसी से, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में गए, करनाल में, सोनीपत के 4 घंटे दूर करनाल है, पर कपूरथला गए 6 घंटे है। उन्होंने कहा दीवान साहब देखिए, नया नया स्कूल जहां खुल रहा है वहां जाओ, क्यों? वहां वैकेंसियां बहुत है, आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। बच्चा तो मैं बुद्धू नहीं था, अच्छा था पढ़ाई में, पर फिर भी चांस क्यों लिया जाए, तो मैं रीवा आ गया, है तो बोर्डिंग स्कूल। तो वहां के प्रिंसिपल कुंजपुरा, करनाल के प्रिंसिपल ने कहा, हेडमास्टर सैनिक स्कूल कुंजपुरा के हेडमास्टर ने कहा, देखिए दीवान साहब, आप ये ना सोचे आप बच्चा आप करनाल में पढ़ेगा, कुंजपुरा पढ़ेगा, तो आप हमेशा मिलने आ सकते हैं, नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, खाली वीकेंड्स पे, खाली मंथ में मंथ आने आ सकते हैं आप। तो आप रीवा में रहे बच्चा आपका, आपके 17 में रीवा में रहे, कुंजपुरा में रहे, कोई चिंता नहीं है, उसकी चिंता आ गया। तो वो मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्यों, उन दिनों तो मेरे फादर को पता लग गया, क्या, कि भाई रीवा में नया खुल रहा है और हम आ गए, नहीं तो क्या पता हम सैनिक स्कूल में आते ही नहीं और लाइफ कोई और मोड़ ले लेती। तो सवाल ये है कि उन दिनों तो क्या था कि जो स्मार्ट था इंफॉर्मेशन ले लेता था, यहां मौका है, वहां मौका है, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वो जीतता था।
आजकल ऐसा कुछ नहीं है, गूगल में हर चीज हरे को पता है, हर चीज हरे को पता है। ये आपके लिए, यंग बच्चों के लिए चैलेंज है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंडलेस है, और चैलेंज क्या है वो भी एंडलेस है, हरे को पता है। तो आप उस पर नहीं चल सकते। अभी आपके इन्फॉर्मेशन, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसको नहीं मिली। जैसे अंबानी की बात कर रहे थे पिछले स्पीकर, अंबानी का कहते हैं कि वो प्रणब मुखर्जी जब कॉमर्स मिनिस्टर थे उनको मालूम था अंबानी जी को, अब इसका लाइसेंस खोलने वाला है, मैं अप्लाई कर दूं, लाइसेंस मिल गया, टाइम पे घुस जाना। तो टाइम पे घुस जाने वाली बात आज भी लागू होती है, पर कम लागू होती है। क्यों? हर एक चीज हर एक को पता है, आप उसको, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, वो मेन नहीं है। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, सबसे पहली बात यह है कि आपने पहले देखना है मैं क्या हूं, उसको रिफाइन करें, उसकी तरफ जाएं। नहीं तो क्या, एक बात और है इसके अंदर। अभी हम बात करते हैं पर्सनैलिटी, पहले तो हम पता करें पर्सनैलिटी है क्या। मेरी समझ में पर्सनैलिटी क्या है, जो आपका पूरा बॉडी है, माइंड है, आपका पूरा इफेक्ट जो पड़ता है दुनिया पे, साथियों पे, घर में, आपकी सोच भी उसमें आ जाती है, आपकी एनर्जी भी उसमें आ जाती है, आपकी कम्युनिकेशन भी आ जाती है, आपकी भाषा कैसी है, भाषा की लैंग्वेज, बोलने का तेरा स्टाइल क्या है। अमिताभ बच्चन बोलते करोड़पति कौन बनेगा, क्या स्टाइल है बोलने की, क्या लहजा है बोलने, क्या क्या आपकी ड्रेस है, क्या आपकी बेयरिंग है, स्मार्ट दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, ये सारी चीजें कई तो प्रत्यक्ष है, जो दिखता है वो कलयुग में कहते दिखता है सो बिकता है। ठीक है, दिखता है सो बिकता है। अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा गेटअप, अच्छी ड्रेस, अच्छा मेकअप, ये सब चाहिए, पर वहां बाहरी कहानी खत्म नहीं होती। एक जैसे खाना हो, बहुत अच्छी पैकिंग हो, बहुत अच्छा डेकोरेशन हो, खाना खाया तो मिर्ची ज्यादा है, शादी कर ली बड़ा अच्छा है सब कुछ अच्छा, बाद में लगा कि मैचिंग गुस्सा है उसमें बहुत, या लड़की में बहुत गुस्सा है, लड़के में बहुत गुस्सा है। तो बाहरी पर्सनैलिटी भी है, अंदर की पर्सनैलिटी भी है। तो बाहरी पर्सनैलिटी तो जरूरी है, उसके बगैर लोग आपको देखे नहीं। वो तो ऐसा है, मेरे भाई वो भी नेवी में थे, कनाडा चले गए, उनको वीसा मिल गया, कनाडा पहुंच गए। अरे भाई कनाडा जाने के बाद आप क्या यहाँ कमांडर थे वो, तो वहां जाने के बाद कमांडर थोड़ी बनोगे, आपको छोटे मोटे काम भी करने पड़ सकते हैं। वीसा तो आपको मिल गया, आपकी अच्छी ड्रेस, चेहरे को, चाल को और आपके बेरिंग को देख के तो एंट्री मिल गई, उसके बाद क्या नजर आएगा, क्या काम आएगा? प्रत्यक्ष चीजें काम नहीं आएंगी, आपकी परोक्ष चीजें। क्या परोक्ष चीजें? आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितनी जल्दी हिल जाते हैं, आपका आपके अंदर सोचने की शक्ति क्या है, आपके अंदर कोऑपरेटिव एटीट्यूड कितनी है, कोऑपरेटिव टीम वर्क में काम कर रहे हैं आपके अंदर। तो ये आपकी जो अंदर की पर्सनैलिटी की बातें हैं, आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ, पर ये सब चीजें भी डेवलप करने का मौका अभी है। मुझे पता नहीं आपके, आपको कितना टाइम और है विद्यार्थी यहां रहने का इस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सतना में, पर मेरी समझ में आज की दुनिया में विद्यार्थी, तो मैं भी अपने आप को विद्यार्थी ही समझता हूं, और जब तक आप विद्यार्थी नहीं रहेंगे सारी उम्र, आप आने वाली दुनिया में जी नहीं सकते। क्यों? ये नॉलेज वर्ल्ड है। हालांकि हमने रियो में पढ़ा था संस्कृत का, क्या काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी ना पंच लक्षणम। सुन समझ गए होंगे आप, काक चेष्टा, कौए की तरह आप कोशिश करें। देखा आपने कौआ किस चीज को करेगा, उसको उड़ाएंगे उड़ जाएगा फिर वहां आ जाएगा। काक चेष्टा छोड़े नहीं करते रहे। बको ध्यानम, बको ध्यानम वाला बको ना बगला, आपने देखा नदी किनारे तालाब किनारे बगला चुपचाप बैठा रहता है एकदम ध्यान लगा के, जैसे मछली निकली पकड़ो। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, कुत्ता आप देखो सोया रहता है पर आप निकलोगे एकदम उठ जाता है वो, हजारों कुछ होगा हाट होती उठ जाता। श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी कम खाने वाला, यहाँ बहुत मैं सत्रह में नई चीज सीखी, लौंग लता खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, बहुत चीजें चल रही हैं, वो आपके कौन सा होटल है चाइनीज श्वान निद्रा तथे अल्पहारी गृह त्यागी। अब आप तो गृह त्यागी नहीं है, मैं तो खैर रीवा में था तो गृह त्यागी था, बोर्डिंग में था। गृह त्यागी काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी का पांच लक्षण, ये विद्यार्थी के पांच लक्षण है। तो ये अगर आप विद्यार्थी के तौर पर रहेंगे तो अभी आप देखिए नॉलेज AI आ गया, मशीन लर्निंग आ गई, मतलब ड्राइवरलेस कार्स आ गई, एडवोकेट जो है अमेरिका में एडवोकेट की जरूरत नहीं है, सब आपको वेबसाइट से आपकी ड्राफ्टिंग कर देता है वो आपकी प्लेंट को। तो कई चीजों में अभी आपने तैयारी करनी है, पुरानी जिंदगी गई, पुराने जमाने गए, इस नए टाइप के जॉब जो खड़े हो रहे हैं आपने उसकी तैयारी करनी है। उसकी तैयारी करने का एक ही तरीका है, क्या तरीका है वो, एक ही तरीका है कि भाई मैं सारी उम्र सीखता रहूंगा। तो ये तो आप समझ लें, आप यू हैव टू टीच योर सेल्फ, अगर ये मादा आप में नहीं है तो ये बड़ी भारी पर्सनैलिटी की वीकनेस है। कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट,
तो आपके जीवन के जो वाहन है उसको आपने चलाना है, तो कभी मोड़ना है, कहां मोड़ना है, कब ब्रेक लगानी है, कब एक्सीलरेट करना है, ये आप ही कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, पर 800 करोड़ जनता है, 140 करोड़ इंडिया में जनता है, तो चैलेंज भी बहुत हैं। पर क्या है, वो पुराने जमाने गए, हम सैनिक स्कूल में या बच्चों में पानी यहां पढ़ते थे कि राजकुमार राजकुमारी की शादी हो गई एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और फिर उन्होंने अपना जीवन यापन बड़ी खुशी से किया। ये आजकल तो है ही नहीं, ऐसा होता है, शादी होगी, राजा राजकुमारी बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी भी होगा, राजा रानी भी होंगे, पर चैलेंजेस तो एवरीडे आते रहेंगे, चैलेंज खत्म ही नहीं होंगे, नई चीज। तो उसके लिए हमने अपने को तैयार करना है। अगर हम उसके लिए तैयार नहीं है तो ये हमारे पर्सनलिटी में, ये 21st सेंचुरी में ये बड़ी भारी वीकनेस हमारी पर्सनलिटी के अंदर। तो पर्सनलिटी, तो पहली चीज तो ये पकड़े, थोड़ा बैकवर्ड जा रहा हूं, डिसाइड करें कि हु आर यू, मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या खामियां हैं, क्या अच्छी हैं, खामियों पे वर्क करना पड़ेगा आपको, पर हवा में नहीं, लिख के, और टारगेट ट्रैक करें। देखिए एक और होती है इन बातों पर्सनलिटी के अंदर, देखिए आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, कई लोग टीचर भी बनेंगे, टीचर में एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन क्या पर्पज है, एजुकेशन का पर्पज है 3 things, नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड। एजुकेशन का क्या पर्पज है, नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड। बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे आपने बैलेंस शीट पढ़नी है, कैसे आपने डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या होती है, और स्किल आपने बैलेंस शीट कैसे बनानी है, आपने एक्सेल शीट पे कैसे ग्राफ बनाना है, ये स्किल। और एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड जो बड़ी भारी बात है, एटीट्यूड माना आपका सोचने का तरीका, ये सोच में सारा कुछ होता है। आपने कईयों ने टाइटैनिक पिक्चर देखी होगी, इतना बड़ा जहाज अपनी मेडन जर्नी में, नई जर्नी में डूब गया, क्यों, आइसबर्ग क्या होता है, तो बर्फ समुद्र में पड़ी होती है, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा नॉर्थ पोल के पास जो समुद्र में घूम रहे हैं आजकल तो वार्मिंग हो रहा है, तो कई बर्फ टूट टूट के समुद्र में आ रही है, तो शिप टकराती है, तो जो ऊपर दिखता है 1/3, नीचे होता है 2/3। तो एटीट्यूड क्या है, वो जो अंदर दिखता है, सबकॉन्शियस माइंड का ऐसे कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, वो दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, उसकी वैल्यू बहुत है, वो फोर्स मल्टीप्लायर है, वो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। एटीट्यूड में क्या है, यही बात, नेवर से डाई, नेवर से गिव अप, अगर मैं भी कर सकता हूं, आई कैन विन, ये आप रखें, ये कोई गारंटी नहीं आपको इसमें विक्ट्री मिल जाएगी, पर करना आपको ही पड़ेगा। देखो ऐसा है, आप हॉकी खेल रहे हैं, आप जब तक स्टिक से मारेंगे नहीं बॉल को, तो गोल होने का चांस ही नहीं है, है ना, ये तो है नहीं, आपको तो स्टिक मारनी चलानी पड़ेगी, तभी बॉल गोल में जा सकती है, हो सकता ना भी जाए, पर ये तो आपको करना पड़ेगा, क्या भाई मैं जीत सकता हूं, मैंने जीतना ना हो, आप ये अपने आप को आपने मोटिवेट करना है, दुनिया तो आपको दबाने वाली भी होगी। दूसरी बात पर्सनलिटी क्या होता है, बड़ी भारी चीज है, क्या होता है, आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो करनी है वो क्या है, और कंटिन्यूअस स्टडी करनी क्या है। स्टडी का तो मैं बता दूं, अभी यहां कई टीचर्स भी बैठे हैं, कई यंग होंगे, कई ओल्ड होंगे, मैं कहता हूं घर जाते हैं, काम करके घर गए, तो घर जाने के बाद आप क्या सोचते हैं, ओहो बड़ा काम है, उसको 2-4 बंदे को हम गाली दे देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, ये काम है, टीवी देखना है, रिलैक्स करना है, पर हम समझते हैं एक चीज बड़ी भारी भूल रहे हैं हम, और हमारे पास टाइम कहाँ है, क्या टाइम, क्या करना है आपने, ये करना ही है। अगर अगले 50 साल 60 साल 70 साल आपने जी के आए, 72 साल ना हो, कल मेरा बर्थडे था, 72 साल का हूं मैं, तो अभी आपने अगर जीना है इस लाइफ में 70 साल 60 साल और 70 साल और, डेली आप कम से कम 6 मिनट तो मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान 6 मिनट ध्यान करें, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ध्यान क्या होता है बहुत कुछ गूगल में करें, बोलने से नहीं है, करना पड़ेगा। और नंबर 1 नंबर 2 रोज कम से कम तीन पेज गूगल से कहीं से अपने सिलेबस से आगे। अगर मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो मैं कुछ मतलब मून लैंडिंग के बारे में पढ़ूं, या फिल्म्स के बारे में पढ़ूं, या पॉलिटिक्स के बारे में, हटके अगर मैं बड़ा हूं जॉब में हूं, हटके मतलब मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट 3 पेज रोज पढ़ूं, तो मुझे आउट ऑफ टच, तो मैं जीत सकूं, दुनिया में रह सकूंगा। और सेकंडली उसी में करते करते अरे यार स्पेस क्राफ्ट तो बढ़िया है। अब मेरी वाइफ की भतीजी जो है अभी वो चली गई है अमेरिका पढ़ने, ये एनवायरमेंट, ये मून प्लैनेट्स, वो कैसे,
उसको इच्छा था, इंटरेस्ट थी प्लैनेट्स का, धीरे 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 वो जॉब छोड़ के कहीं उसमें पीएचडी उसमें चली गई है प्लैनेट्स प्लैनेटोलॉजी में। तो आप नई चीज करेंगे ना रोज नई चीज, तीन दिन तीन पेज, तो आप अपने आप को अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा ख्याल उसी लाइन में जाना चाहिए। और आजकल की डेट में देखिए, आपकी कोई पोजीशन हो जाए, आप प्रिंसिपल बन जाए, आप कंपनी के एमडी बन जाए, आप फौज में कमांडर बन जाए, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, देखिए ऐसा है कुर्सी से काम नहीं होता है, वो डंडेबाजी वाले दिन गए। आप अपने आप को डेली प्रूव करना पड़ेगा आपको, क्या मेरी काबिलियत क्या है, मेरी नॉलेज क्या है, मेरा तरीका डील करने का तरीका क्या है। आपको लोगों अट्रैक्ट आप नहीं करेंगे तो आप चल नहीं सकते, इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। वो आपके कौन है सतना में जो आपके मेयर हैं आजकल महापौर, उनको मिला था, हम नेपाल रक्षा भारत रक्षा मंच का राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, उसके चलते मैं कई जगह जाता हूँ, सतना में आया था 6-8 महीने पहले मैं। अब उनकी कितनी अच्छी साख है मैंने देखी, मैंने देखा उनको लोग मिलने आते हैं और सबसे मिलते हैं, पॉजिटिवली बात करते हैं, एक बड़ी अच्छी बात पर्सनैलिटी की बड़ी क्वालिटी उन्हें मैंने देखी। आप समझिए क्या है, आप देखिए हमारी गलती इंडिया में क्या है, हम समझते पंचुअलिटी को नहीं, हम मानते पंचुअलिटी, पंचुअलिटी क्या है, ये आपकी हैबिट्स है, आपका बिहेवियर है, जैसे आपकी ड्रेस है, आपकी कम्युनिकेशन है, पंचुअलिटी बड़ी भारी चीज है, उससे पर्सनैलिटी एकदम नजर आ जाती है। मैं था भोपाल में गया एक यूनिवर्सिटी में, जागरण लेक यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे वो ब्रिटिशर थे वहां प्रिंसिपल, कहता है कमांडर दीवान आई थिंक टू इंडियन चिल्ड्रन, इंडियन चिल्ड्रन को लैपटॉप और मोबाइल फोन और क्या बोलते हैं टेबलेट ये ना दें हम, इनको तो हमें घड़ी दे दें भाई, घड़ी, हमारे इंडियन बड़ी कमजोरी है, पंचुअलिटी हम देखते नहीं है। अरे हो गया, हो जाएगा 5 मिनट और क्या, और यहाँ कहे तो वो पंचुअलिटी बहुत जरूरी चीज है आपके लिए, नंबर वन पंचुअलिटी, और जो आप कहते हैं उसमें खरे उतरे वो करें, भरसक प्रयत्न करके करें। और अगर आप नहीं कर पाते, टीसीएस में वाइस प्रेसिडेंट था मैं, किसी अपने अपने सुबॉर्डिनेट को बोला आपने ये काम करना है, अरे आपने 4 दिन में देना है, तो आपने क्या करना है, आप ठीक स्पीड में चल रहे हैं तो बढ़िया है, और नहीं चल पा रहे तो दूसरे दिन तीसरे दिन बॉस को बोल दो, सॉरी सर सॉरी मैडम ये मैं नहीं कर पाऊंगा, दिल प्रॉब्लम हो रही है, मुझे 2 दिन और दिए जाए। ये नहीं चौथे दिन आपको बुलाए और आप बोले नहीं सर मैं तो कर नहीं पाया, इधर हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, कुत्ता मर गया, ये ना, ये एक्सक्यूज बाजी चलेगी नहीं। आपकी क्रेडिबिलिटी पर्सनलिटी, ये भी आपकी बिहेवियर, आपकी पर्सनलिटी डिफाइन कैसे डिफाइन होती है, आपका बिहेवियर क्या है भाई, आप तो कमिटेड आदमी है, आपको बिलीव ट्रस्टवर्दी आदमी है आप, आपने जो बोला वो किया, और नहीं कर पा रहे तो पहले बता दिया, तो आप परफॉर्म टू द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस आप दे रहे हैं सोच के दें परफॉर्म करें। तो ये क्या होता है कि हमारे उसमें क्या है इंडिया में, मैं कल मेरे समधी हैं, मेरी एक ही बेटी है जर्मनी में, कल मेरे समधी से बात हो रही थी, वो जर्मनी में है आखिन जगह का नाम आखिन डुसेलडॉर्फ के पास, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं दीवान साहब यार मैं आता हूं बार बार इंडिया में, वहां जर्मन कंपनीज को इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल्स के लिए, क्या होता है इंडिया में क्या है, तो मेरे को कहता है यार मेरे आंखन में जर्मनी में मेरी 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले की अपॉइंटमेंट मेरी डायरी में है, 6 महीने पहले मैं फला आदमी को मिलना है 10 से 10:15, वो लिखा हुआ मेरी डायरी में, इंडिया में को भरोसा ही नहीं, सब राम भरोसे चल रहा है, पता नहीं वो मिनिस्टर को मिलना हो सकता है मीटिंग मंडे हो, मुझे फ्राइडे इवनिंग को बताएंगे ये लोग, तो वो क्या कहते हैं, फिर कहता है हंस के मेरे को बोला समधी जी ने, डॉक्टर बत्रा है इंडियन है वो जर्मनी में 60 साल से, वो क्या बोलते हैं मैंने अपने जर्मन दोस्तों को बोला है, अरे भाई इंडिया में तो ये विश्वास करते हैं रीबर्थ क्या पुनर्जन्म, अरे अब पछतावे हो क्या है, क्या है ना कहानी के कल करना सो आज करना सो अब, बहुत पढ़ रहे होगी कब करे कब जो भी है, वो कहते नहीं नहीं आज करना सो कल कर, कल करना सो परसों, अभी क्या जल्दी है, अभी तो पड़े बरसों, अरे तो नए बर्थ में अगले पुनर्जन्म में करेंगे, ये इंडिया में चक्कर है। हमने चाइना को देखा है, हमसे कमजोर थे वो 50 साल पहले, 1985 की बात है, 2000 में फिर गया था चाइना एक बारी, तो मैं तो घबराहट हो गई मुझे, इतना तरक्की करके हमसे आगे, हम लोग करने में बहुत वीक है, एग्जीक्यूशन में बहुत वीक है। तो ये यंग बच्चों का काम है क्या, जो आप करें, खाली बोले नहीं, खाली करें, खाली सोचे नहीं, करें, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, डू एंड डू बिग थिंग्स, अगर आप बिग थिंग्स करेंगे तो अभी बड़े आदमी बनेंगे, छोटी छोटी बातें भी होगा नहीं आपका, तो अभी आप ड्रीम करके बड़ा बड़ा पॉइंट ले सकते हैं,
तो पुनर्जन्म वाली बात ना करें, एक्सपेक्टेड है कि आप डिलीवर करेंगे, अभी करेंगे, और ये नहीं करेंगे तो आप सक्सेस ना तो सक्सेसफुल हो पाएंगे ना आप खुश रहेंगे। तो मैं बीच में एक बात कह रहा था आपसे, क्या क्या बनना है, इससे अच्छा ये सोचे क्या कंट्रीब्यूट करना है। आपको क्या लगता है गांधी जी ने सोचा होगा? देखो भाई, हमने तो इंस्पिरेशन उनसे लेनी है। मैं 72 साल का बंदा हूं, इंस्पिरेशन से ना लूं बेशक, मैं भी लेता हूं, आपको तो लेनी है। आप वहां सोचेंगे, इतना ऊपर सोचेंगे तो कम से कम यहां पहुंचेंगे, है ना, कम पहले यहां सोचेंगे तो पहुंचेंगे यहां नीचे, तो इंस्पिरेशन लेनी है। तो क्या आपको लगता है गांधी जी ने क्या सोचा? अरे यार, मैं युग पुरुष बन जाऊंगा, मेरा नोटों में नाम आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी ने क्या सोचा? जो भी कारण रहा हो, डब्बे से साउथ अफ्रीका में निकाल दिया, हटो कालू, तो फर्स्ट क्लास डब्बे बैठा है। उसने कहा अच्छा तुम्हें दिखाता हूं, मैं ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा के रखूंगा। मतलब क्या, ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्या बनूंगा नहीं, क्या करूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला, हिस्ट्री बुक मेरा नाम आ जाएगा, मैं युग पुरुष बन जाऊं? नहीं, मैं भारत को आजादी दिलाऊंगा। आप क्या बनना है, क्या करना है, अगर आप ये चीज करके करें, मैं कहता हूं हीरा छुपता नहीं है, और लोग देखेंगे अरे तो करने वाला आदमी है, इसको पकड़ो। शुरू शुरू में उसको इंप्रेशन मिलेगा, हो सकता है भाव उसको मिल जाए, जो गेटअप है अच्छा है, स्टाइल है। देखो सब्सटेंस भी चाहिए, स्टाइल भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। मैथमेटिक्स में होता है नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट, दोनों चीज चाहिए। ये दो गाड़ी की पहिए है, दो पहियों की गाड़ी है, चार पहिए भी हो सकते हैं, सोचिए। पर ये आपने, पर आपका अगर है ये सब्सटेंस कि मैंने कुछ करना है, बनना, आप जरूर सक्सेस में आएंगे। तो आप एम जो आप ढूंढ रहे हैं, मैंने शुरू में क्या कहा, डिसाइड करें। आप क्या डिसाइड करें कि भाई मैं क्या हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। मोर देन दैट आप लिखें, अभी क्लियर नहीं है। अरे यार मैं तो गरीब घर का हूं, मेरे फादर थे रेलवे में नौकरी करते थे, अरे बड़ी बड़ी बातें बता रहा है मेरे को कि क्या करना है, अरे पहले तो नौकरी पक्की करूं अपने में यार। तो वो भी आप दोनों लिखें भाई, क्या करने की काबिलियत है मेरे में, हो सकता है नई कंपनी खड़ी कर दें आप, क्यों, आपने क्या करना है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, पूना में कई बच्चे पढ़ने से आते हैं, एमपी से, यूपी से और देहरादून से। अब वहां आते हैं बच्चे कहां कहां, अलग अलग, मेरी बेटी भी वहीं बी किया था उसने, अब तो जर्मनी में है, वहीं शादी उसने। तो वो जब ऑटो में जाना होता है, अब ऑटो वाले को चाहिए पैसेंजर और पैसेंजर को चाहिए ऑटो वाले, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। लड़के को, पुरुष को चाहिए शादी के लिए पार्टनर और स्त्री को भी चाहिए पार्टनर। तो वो ऑटो वाले घूम रहे, कोई ऑटो वाला यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। अरे स्टूडेंट्स ने क्या किया, ऐप बना डाली। क्या ऐप बनाई, आजकल ऐप में कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। क्या ऐप बनाई कि जुड़े पूरे ऑटो से मिला लिया और स्टूडेंट्स को मिला लिया। तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं देख सकता हूं मैं कौन सा नियरेस्ट ऑटो मेरे पास है। 10 साल पुरानी बात है, आजकल तो ओला ऐसे ही हो गया है, ओला उबर ऐसे ही है। तो वो मतलब एज ए स्टूडेंट ऑल्सो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और आप कहां शुरू करें, अपने कॉलेज के अंदर ही शुरू करें, मैं क्या सॉल्व कर सकता हूं प्रॉब्लम में, और सॉल्व करें, क्रिटिसाइज ना करें, आप काम कर योगदान दें। और ये बात देख लें, अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी वैल्यू पूरी दुनिया में रहेगी, आपकी संस्था में रहेगी, परिवार में रहेगी। अरे ये तो कंट्रीब्यूट करने वाला है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है। आप समझिए बात को, प्रॉब्लम सॉल्वर है आप। तो ये आपने पर्सनैलिटी में देखना है, क्या एटीट्यूड आपकी, आई एम ए प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम हैविंग पॉजिटिव पर्सनैलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड। प्रॉब्लम आएंगी, अरे थक गए, क्या नहीं, उसने गलती की ना, डोंट ग्रंबल, डोंट क्रिब, आप सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये अगर आपने सोचा है, ये आप सोच के चलेंगे, तो आप सारी उम्र मलाई खाएंगे। नौकरी है तो मलाई खाएंगे, खुद के स्टार्टअप करेंगे तो मलाई खाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इफ यू आर ए कंट्रीब्यूटर यू विल बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड रिवॉर्डेड बाय एवरीबॉडी बाय सिस्टम। वही मैंने क्या बोला, मैंने क्या करना है, क्या मुझे मिलता है, वो तो मैं कहता हूं ऑटोमेटिक आएगा। अब मैं ये कह रहा हूं, आप सोचें, एकदम आपके मन में नहीं आएगा, थ्योरी बता रहे हैं मेरे को कमांडर साहब क्या है, पर नौकरी चाहिए, मैं गरीब घर से हूं, पैसे नहीं मेरे पास। तो दोनों चीज लिखें, डोंट लूज योर सेल्फ, पर्सनैलिटी आपकी, उसको खोए नहीं आप। अभी टेम्पररी कंप्रोमाइज कर लिया, जॉब के लिए कुछ कर लिया, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड आपकी डायरी के अंदर लिखें, मैं क्या करना चाहती हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, उसको लूज ना करें। आप आज की दुनिया में, मैं बोलता हूं आपके पास एक ही असेट है, पैसा असेट नहीं है, लोन पे मिल जाता है, पोजीशन असेट नहीं है, ड्रेस असेट नहीं, एक ही असेट है,
दो कहूंगा मैं, एक तो आपकी पर्सनैलिटी, अगर मेरी पर्सनैलिटी मेरे बाजू वाले पर्सनैलिटी से पोर है, पर्सनैलिटी माने अरे वो तो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो एनालिटिकल है, वो तो अच्छा नेटवर्कर है, वो मैं नहीं हूं, तो ये पर्सनैलिटी इंप्रूव मैं कर सकता हूं चीजों को, ये पर्सनैलिटी का सेट है, मेन असेट पर्सनैलिटी है नंबर वन, और नंबर टू टाइम, टाइम आपके पास है, अगर टाइम बिता दिया आपने रीबर्थ में करेंगे, अगले जन्म करेंगे, तो आप समाज को आप भी खुश नहीं रहेंगे, समाज तो भी नहीं खुश रहेगा, देश भी पिछड़ रहा है, कहां $3 trillion हमारी हमारी वो GDP है, और कहां चाइना $15 trillion अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, और हमारी पॉपुलेशन उनकी जितनी है, हमारे इंडियंस कम हो जा रहे हैं चाइनीज से, आप देखिए मैं चाइना में गया हूं, हमसे कम, हम उनसे ज्यादा होशियार हैं, पर क्या है बड़े डिसिप्लिन में चलते हैं, चाहे डंडे से आया होगा डिसिप्लिन, सिंगापुर की बात बता रहे थे पिछले स्पीकर साहब, तो सिंगापुर की बात, सिंगापुर तो बहुत बहुत गंदा देश हुआ करता था, मैंने देखा नहीं उसको, अभी देखा है 15 साल पहले जब मैं टीसीएस में वाइस प्रेसिडेंट था, मैं कई देशों में 18 देशों में घूमा हूं, मैं वहां देखा बहुत साफ है, क्लीन है, तो डंडे से हुआ हो चीन में या कैसे भी हुआ हो, पर क्या है वहां बड़े डिसिप्लिन है, हम लोग क्या है, मैंने 17 में जब प्रोवीसी था मैंने क्लीन, हम करते नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है हमने, मैंने शुरू किया था प्रो वाइस चांसलर प्रतिकूल पति क्लीन 17 करते हैं, उसको नाम दिया था हमने 2012-13 की बोल रहा हूं, क्लीन 17 ग्रीन 17 हम गए, वो आपका, वो आपका उधर है बस स्टैंड के पास मार्केट में गए जनाब, उसके अंदर वो नाली में पत्ते थे प्लास्टिक, 10-12 स्टूडेंट भी थे हमारे साथ, मैं भी था, तो हमने प्लास्टिक ग्लव्स पहने हुए थे, हम खुद नाली में हाथ निकाल के कचरा बाहर फेंक रहे थे, और सामने मुझे याद आता है पान की दुकान थी, होटल था, मैंने कहा देखो यार आप सफाई नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, आपने करना है, ये 2013 की बात बता रहा हूं मैं, तो उन्होंने कहा नहीं 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 क्या बात कर रहे हो, ये हमारा काम थोड़ी है, हम तो ब्राह्मण है, वो तो करने वाले बीएमसी क्या, वो मतलब बीएमसी बॉम्बे में होता है, 17 वाले कॉर्पोरेशन वाले आएंगे, हम क्यों करें, हमारा काम नहीं है, अब ये एटीट्यूड, और यंग मैन में नहीं थी, ओल्ड में ज्यादा थी, ओल्ड मैन नहीं, हम तो कैसे क्यों थोड़े करें, हमारा काम नहीं है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे इंडिया के अंदर ये चैलेंज है, बड़ा भारी चैलेंज है कि हम हाथ से काम कर हम काम ही नहीं करना चाहते, हम इधर उधर बात कर देते हैं, और तभी मेरा ख्याल 800 साल गुलाम में इसलिए रहे हैं, क्यों इधर उधर बात कर देने का, मजबूती से काम करने का नहीं, तो अगर आप ये चीज को, ये चीज आप खाली लेक्चर से बदलेंगे नहीं, हमने खुद कर रहे हैं, हम खुद गए थे 17 में बता रहा हूं नाली में सफाई करने, तो ये है कि इतना चैलेंज करने के लिए बहुत कुछ है, तो ये आप सोच के अगर आप चलेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, पैसा मिलेगा, पर ये सोच के चलें कि ये अभी नहीं, अभी जब अभी मैं निकल रही हूं तो कॉलेज से पास आउट हो रही हूं, अरे भाई क्या थ्योरी को छोड़ो, उस थ्योरी नहीं है, आपकी जिंदगी है, हीरा क्या हीरा जिंदगी आप बनाएंगे तो आप ही बना सकते हैं हीरा, और कोई तैयार नहीं हीरा बनाने को, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, तो आपने अपना अपना जीवन वाहन को क्या किस तरह ले जाना है आपके ऊपर है, और कोई नहीं करेगा, और जो लास्ट में ये है कि मैं आपसे ये मैं लास्ट में मतलब समरी थोड़ी सी बात कह रहा हूं, समरी से थोड़ी देर पहले ही है, डेली स्टडी 3 pages मोर देन सिलेबस आउटसाइड सिलेबस डेली, ये चेंज होना चाहिए आज से आपके पास, ताकि इंप्रूव करें आप, एंड डेली स्टार्ट विद एटलीस्ट 6 मिनट्स 6 मिनट ज्यादा नहीं होते, 6 मिनट का मेडिटेशन, और थर्ड डेली 1 पेज डायरी लिखें, डायरी ना लिख पाए लिखें जरूर लिखें पॉइंट लिखें, ये ना कोई पढ़ ले तो कई बार सीक्रेट आउट हो जाते हैं, मेरे घर में हुआ तो डायरी किसी ने पढ़ ली तो पंगा शुरू हो गया, तो डायरी आप लिखें तो उसमें आप अपना अपने ड्रीम ख्वाब क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, एक तरीका होता है, देखिए मैं वाइस प्रेसिडेंट टीसीएस में था, वाइस प्रेसिडेंट फॉर क्वालिटी, टोटल क्वालिटी, क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी में क्या तरीका, व्हाट इज क्वालिटी, क्वालिटी अचीव करने का तरीका, उत्कृष्टता अचीव कर पाने का तरीका, सफलता पाने का तरीका क्या है, PDCA, PDCA, P फॉर प्लान, आप पहले प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, मेरी लाइफ की प्लानिंग कर रहा हूं मैं, मेरा क्या एम है, क्या करना है 3 साल में, प्लानिंग खाली हवा में नहीं, माई ड्रीम, मैं 3 साल में यहां पहुंचूंगा, तो अपने माइलस्टोन लिखो आप 3 साल में, अगर आप मुझे कहूं आप चलो भाई आपने 17 से रीवा पैदल जाना है तो 20-25 किलोमीटर है, तो मेरा ख्याल आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा, वो कौन सी जगह, कुर्चन वाली जगह बीच में, वहां पहुंच जाऊंगा, फिर राम, उसके पहले राम राम घर जो भी है, तो आप एक प्लानिंग में टाइम एंड टाइम लाइन्स माइलस्टोन्स प्लानिंग करो, और उसके बाद ये प्लानिंग किसके लिए,
मैंने क्या अचीव करना है, इंप्रूवमेंट क्या करनी है, वो भी टारगेट अपना प्लानिंग। मैं पीडीसी आपको बता रहा हूं, प्लान डायरी में, प्लान डू, टू माने अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाया आपने, रोड मैप बनाया आपने, रोड मैप आप ही बनाओगे, कोई नहीं बनाएगा, डू, फिर उस प्लान को फॉलो करो। हम प्लान तो बड़ी बड़ी योजना बना देते हैं, 5 ईयर प्लान, 10। मेरे पास ना, ठीक है, डू, उस प्लान को फॉलो करो। बीच में बोल रहा है, आवाज आ रही है। डॉक्टर अभिलाष, अभिषेक जी आपका माइक ऑन है सर, अभिषेक सर माइक ऑफ कर दें, सभी स्टूडेंट माइक ऑफ कर दें, अभिषेक सर, हाँ अभी हो गया, इनसे निवेदन है वो अपना माइक तो फिर मैं क्या कह रहा था, पीडीसीए प्लान करें आप खुद, आपके खुद की, आपने खुद गीता लिखनी अपनी, पहले तो गीता लिखो आप, तो मैं करना क्या चाहता हूँ, कर क्या सकता हूँ, उसके हिसाब से करना क्या चाहता हूँ। मैं दोबारा बात बता रहा हूँ, ये मेन पॉइंट है आपका, पहले वो गोल ही अपने क्लियर नहीं है, फिर हम उसको डू करें, करें डू करें, फॉलो द प्लान, यूज द एक्टिव, उस पर एक्शन लें, कार्यान्वित करें, इंप्लीमेंट करें, फिर चेक, फिर चेक करो भाई कहाँ पहुंचा मैं, अरे मैं तो वहां रीवा में पहुंचने वाला था सतना से पैदल चल के 1 घंटे में, अभी तो मैं मिडिल में हूं, अब क्या करूं, अब मुझे घोड़ा गाड़ी लेनी है, भागना है, क्या करना है, चेक और फिर एक्ट, चेक करके फिर क्या करेक्शन करना करो। तो अपनी लाइफ का मैंने समरी से पहले थोड़ा बता रहा हूं आपको, डायरी बनाओ, डायरी के अंदर आपकी प्लान हो, आपकी अपनी मॉनिटरिंग हो, मैं कहां पहुंच रही हूं, कहां पहुंच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो प्लान क्या हो, क्या हासिल करना है और क्या इंप्रूवमेंट करनी है। अरे भाई मेरी अंग्रेजी तो बड़ी खराब है, और मैं आपको बताता हूं, आपको शायद हंसी आएगी, हमारा फौजियों का ग्रुप है एनडीए के 250 लोग, एनडीए में हर साल हर 6 महीने 250 लोग जाते हैं, अब कई तो गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश मेरे बैचमेट हैं, वो जनरल केटी पटनायक सैनिक स्कूल रीवा में मेरे साथ थे, वो भी अरुणाचल में गवर्नर बन गए हैं, तो कई लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मैं तो जनरल जल्दी छोड़ के कमांडर के तौर पर छोड़ के टीसीएस में वाइस जनरल बन गया। पर मैं कहना चाह रहा हूं कि हम सैनिक स्कूल रीवा में थे, मेरी अंग्रेजी बड़ी वीक थी, बड़ी पोर थी, आपको चंबा होगा ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं जनाब, मैंने छोटी सी डायरी डिक्शनरी खरीद रख रही थी, खरीद डिक्शनरी इंग्लिश हिंदी, और मैं हमेशा जेब में लेकर चलता था, और मैं रोज अंग्रेजी इंग्लिश डिक्शनरी से वर्ड पढ़ता था। मुझे 15-20 दिन पहले बोलो देखो देखो यार दीवान कितनी अच्छी इंग्लिश अंग्रेजी लिख रहा है, मेरा बैचमेट एक बरुआ है, वो सैनिक स्कूल रीवा में था, कर्नल बरुआ, अरे यार व्हाट्सएप में ग्रुप बना हुआ है, अरे कितनी अच्छी अंग्रेजी लिखता है, और सैनिक स्कूल रीवा में था मेरे साथ, ये तो डिक्शनरी पढ़ा करता था, हम लोग स्टोरी बुक पढ़ते थे और ये डिक्शनरी पढ़ता था, हो सकता है स्टूपिड हो, डिक्शनरी पढ़ते लोग हंसते थे, अरे डिक्शनरी पढ़ रहा है, वो हंसते नहीं दो उनको, अभी वही बंदा मुझे बोल रहा है ना क्या अंग्रेजी लिख रहा है यार ये। तो आपने अपना रूट निकालना है, अपना तरीका निकालना है, अपना इरादा और अपना तरीका उसको फॉलो करो, और दुनिया चढ़ते सूर्य को सब सलाम करते हैं, आपको अगर सक्सेस होगा तो, और सक्सेस नहीं होगा बदल दोगे, उसके चलते क्या हुआ अंग्रेजी में इतनी अच्छी हो गई। मैं तो हिंदी मीडियम से आया था सोनीपत से, जब रीवा में आया तो मैंने आंसर दिया अंग्रेजी, उसमें याद आता ज्योग्राफी का पेपर था, तो हमारे प्रिंसिपल राठौर थे, वो कहते हैं अरे दीवान हैज पिक्ड अप भूषण, दीवान तो सर ने फर्स्ट टाइम से बुलाते हैं, भूषण हैज पिक्ड अप इंग्लिश वेरी वेल वेरी क्विकली, मैं हमेशा हर सब्जेक्ट में टॉप करता था कहने, पर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, टॉप तो मैं करता था, और एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, पर मैं 1962 से 1968 तक पढ़ा, 5वीं क्लास 6ठी क्लास 10वीं क्लास, जब मैं पढ़ा तो मैं बहुत पढ़ाकू भी था, तो लोगों ने कहा अरे ये तो अंतर्मुखी आदमी है, ये तो एकेडमिक है, ये तो पढ़ाकू है, तो इंट्रोवर्ट है, ये तो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, कैसे मिल पाएगा। वो एनडीए का रिटर्न एग्जाम हमने दिया, एनडीए का पहला रिटर्न एग्जाम होता है, हमने दिया, सिलेक्ट हो गए, अच्छे नंबर आ गए, पढ़ाई में तो अच्छा ही था, मैं मैथ्स का होता है, जनरल नॉलेज का होता है, इंग्लिश का होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको 68 की बात, अलाहाबाद में हमारा टेस्ट हुआ था जाके। एनीवे उसके बाद हमें कॉल आ गई, क्या कॉल आ गई कि भाई आप एसएसबी के लिए आइए। एसएसबी क्या होता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, मेरी समझ में कई बच्चे इसमें 20% तो शायद मेरी समझ में प्रिंसिपल मैडम भी है यहाँ पे, निशारिया मैडम भी है शायद, 20% बच्चे सोच रहे होंगे फौज में जाएं, तो एनडीए भी खुल गया है, तो वहां एसएसबी होता है। एसएसबी क्या होता है, सर्विस सिलेक्शन, क्यों अच्छा तरीका है, एकदम अफसर लाइन में आप जाएंगे आ जाएंगे। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, क्या भाई कैसी पर्सनैलिटी है इसकी, ये पर्सनैलिटी की बात हो रही है, इसकी एटीट्यूड कैसी है, क्या ये इनिशिएटिव लेता है,
बैठे हुए पीछे, वो करेगा ये करेगा, अरे राहु दया, मराठी में बोलते राहु दया, हो गया या अरे बहुत होशियार बनता है, हो गया हमने सीखा सतना में वर्ड, ये हो गया, रीवा में इतना याद नहीं था, रीवा में तो दादू दादू सुनते थे, सतना में हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं वो एटीट्यूड पर्सनलिटी चेक करते हैं, 3 दिन का टेस्ट होता है, मेरा हुआ था कोल्हापुर में, यहाँ बॉम्बे से 200-600 किलोमीटर दूर कोल्हापुर, मैं बता रहा हूँ 68 की बात। आप जाते हैं आपको टिकट भी देते हैं, आप कोल्हापुर जाने के लिए रेलवे टिकट भी दी हमको, और वहां 3 दिन था रहे, खाना पीना उनका सब कुछ, वो टेस्ट करते हैं भाई कैसी पर्सनैलिटी का आदमी है, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज है कि नहीं, लीडरशिप क्या होती है, ये भी पर्सनैलिटी की बात है, लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप यही है आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, लीडरशिप है आप नई इनोवेटिव है, नई चीज करने वाले हैं, हट के लकीर से आप लीडर हैं, और आप मोटिवेट करके टीम को लेके जा सकते हैं आपस में, आप लीडर हैं। तो ये जैसे आपके महापौर साहब, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, वो फादर भी उनके आरएसएस के लीडर थे, उनको मिला था, अब तो स्वर्गीय हो गए वो, 17 में तब मिला था। तो आप ये चीजें बता रहा हूँ, ये बताना जरूरी नहीं है, ये तो आप गूगल में ही देख सकते हैं, और आपने करना है। तो ये पर्सनैलिटी कितनी वैल्यू है, क्यों स्पॉट में देखते हैं 3 दिन, फिर फिजिकल टेस्ट भी लेते हैं, मैं उसमें सिलेक्ट हो गया एसएसबी में, लोग बड़े सरप्राइज हो गए, अरे यार ये दीवान तो, भूषण तो हर टॉप करता है एकेडमिक्स में, फिजिक्स का फर्स्ट प्राइज भूषण दीवान, मैथमेटिक्स का भूषण दीवान, इंग्लिश का भूषण दीवान, हिंदी का हायर हिंदी गद्य पद जो पढ़ते थे भूषण दीवान, ये कैसे एनडीए में सिलेक्ट होगा, वहां तो बड़े एक्सट्रोवर्ट लोग चाहिए। मैं हो गया, क्यों, मुझे पहले पता लग गया बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे मेरे एसएसबी में, ओवरऑल मेरिट में अच्छा आ गया मैं, क्योंकि रिटर्न प्लस एसएसबी कंबाइन करते हैं, मैंने पढ़ा मेरी क्या कमजोरी है, मैं देखूं इसको, इससे ऊपर हूं, ऊपर उठूं, और मुझे किसी ने गाइड किया एसएसबी के लिए, मैं जा रहा था, कईयों को पूछा सर मैं कैसे करूं एसएसबी के लिए जा रहा हूं, कहता है भूषण झूठ मत बोलना, उपट पकड़े जाओगे, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर शीशे की तरह जान सकते हैं, बड़े ट्रेन लोग होते हैं, डोंट टेल लाइज, ढकोसला मत करो, ढकोसला मत करो, और आप जरूर आप बी ऑनेस्ट बी डायरेक्ट। मैं सिलेक्ट हुआ, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे मेरे, 400 पॉइंट आए थे, 400 पॉइंट कटिंग लाइन नॉट टॉप, पर मैं हो गया सिलेक्ट। तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि दिस इज, मैं एग्जांपल आपको दिया है कि आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप सक्सेस बातों से नहीं होगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, हम लोग क्या है वो 17 का मुझे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मेरे एक डीन साहब थे अभी 15 दिन पहले डेथ हो गई, त्रिपाठी साहब, वो भी शायद गर्ल्स कॉलेज में जुड़े हुए थे मेरा ख्याल है, वो हमारे AKS यूनिवर्सिटी में डीन थे, तो मेरे साथ आके बैठा करते थे जब मैं प्रतिकुलपति था, 2012-13-14 की बात कर रहा हूँ, वो कहते दीवान साहब यहाँ तो देखो हम लोग भारतीय लोग क्या है, हम बात करते हैं, बोल बच्चे करते नहीं, कैसे, कहता दीवान साहब वो फलाना मार्केट में, सतना मार्केट में वो अग्रवाल साहब हैं, दुकान है उनकी अनाज वगैरह की, फ्रूट में रखे हुए हैं, पोते को गोदी में बिठा के हिला रहे, बता रहे हैं गाय हमारी माता है, ये है वो जो भी, इतने में गाय आ गई उधर, और गाय ने मुंह मारा और सेठ साहब ने डंडा उठा के गाय को मार दिया। पोता कहता अरे दादाजी आप तो कहते थे गाय हमारी माता है, आप समझ रहे हैं हमारा ढकोसला, हम करने में होशियार नहीं है, बोलने में होशियार है। और लंबा एग्जाम्पल हो जाएगा, मेरा खुद साथ हुआ था, मैं किसी को मिला नॉर्वे वाले को ट्रेन में, तो वो नॉर्वे से घूम रहा था इंडिया में, ये 2000 की बात है, ये 2000 की बात है, 98 की बात है, मतलब 30 साल हो गए, 98 में कई लोग पैदा नहीं हुए होंगे। तो मैं उस ट्रेन में बैठा था, बेटी को छोटी सी बच्ची छोड़ने गया था कैंप के लिए, नॉर्वे वाला बंदा था, तो नॉर्वे वाला एक बंदा था, तो मैंने कहा अरे मैं बात करता हूँ सबसे, क्या है कौन है आप किस लिए भाई, यंग मैन 30-32 साल का लंबा सा घोड़ा सा, नॉर्वे फिनलैंड, तो उसने टी शर्ट, गर्मी थी दिल्ली के बॉम्बे के हिसाब से तो बहुत गर्मी उनके लिए, नॉर्वे वालों के लिए, तो वो तो टी शर्ट और शॉर्ट। तो मैंने क्या कर रहे हैं आप, कहते मैं घूम रहा हूँ दुनिया देख रहा हूँ, मुझे छुट्टी मिलती है वहां, तो फॉरन कंट्रीज में काम के टाइम पूरी लग के काम, 8 घंटे का काम है तो 8 घंटे काम, आंसरेबल है, और यहाँ नहीं हो गया चलता है। तो मैं अभी मेरे को 1 साल की छुट्टी देकर घूम रहा हूँ। मैंने कहा देखिए साहब अभी तो आप 30 साल के हैं, हमारे सनातन धर्म कितना अच्छा है, क्या है कि ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वो क्या होता है, पहले 25 साल तो आपने ज्ञान अर्जित करना है, सीखना है, तैयारी करनी है, फिर 25 साल आपने गृहस्थी निभानी है, लर्न बाय डूइंग, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे और लर्न करेंगे, डू करेंगे, आप सीखेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। वैसे लाइफ का क्या पर्पज है, लाइफ का ये पर्पज है ना कि हम तो आत्मा है,
तो हम परमात्मा के प्रतिबिंब है, हम भूल गए, समझते नहीं है, तो हमने परमात्मा की मूर्ति में, उस मूर्ति में अपने आप को डालना है। तो मनसा वाचा कर्मणा स्पिरिचुअली फिजिकली हर इमोशनली हर तरीके से हमने अपने आप को इंप्रूव करना है, अपने आप को उत्कृष्ट बनाना है। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी लाइफ का पर्पज है। तो मैं तभी हमारे सनातन में ब्रह्म धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सब बैलेंस तरीके से बनाया हुआ है। तो मैंने उसको ज्ञान दिया नौने वाले को, ये मैं 44 का होगा, 44 ईयर्स की एज होगी मेरी उन दिनों। तो मेरे को सुनता रहा, अच्छा ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर अभी गृहस्थ आश्रम, फिर 50 साल के बाद वानप्रस्थ। तो एंड में बोलता है, अच्छा अच्छा तो अभी आप 4 साल के बाद जंगल चले जाएंगे आप? आप बताइए, ये हम लोगों का ढकोसला है, कहां जंगल जाने का सवाल उठता है? फिर मैं आई डिडंट नो वेयर टू लुक, अरे नहीं नहीं वो तो किताबों में लिखा हुआ है। ये हमारी गलतियां हैं, ये हमारे करेक्टर में घुसा हुआ है कि हम करते नहीं है। और हम इतना अच्छे से ज्ञान कर, अभी आपको लग रहा हूं मैं ज्ञान कर रहा हूं, ऐसा नहीं है ज्ञान मैं, पर ये मुश्किल काम है। पर अगर मैंने ज्ञान किया ठीक है, पर आपको जो भी किया मैंने मैं उसका भुगतूंगा। पर आपको ये भी समझें, आसान नहीं वो, ये क्या है, ये क्या है, इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है, डूब के जाना है। जिंदगी का भी ऐसा है, ये आग का दरिया है, आपको डिफिकल्टीज आएंगी। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, लास्ट 2-3 मिनट, आपको डिफिकल्टीज आएंगी, सक्सेस अश्योर्ड नहीं है। हाँ भाई, सक्सेस हो जाए तो आपा मत खोना, जिंदगी और भी बाकी है, आप कोई भगवान नहीं बन गए, आपको तो परमात्मा की ये जर्नी है। और अगर आप असफल हो जाए तो भी आपा मत खोना, ये हमारा प्रॉब्लम है, जिंदगी खत्म नहीं हो गई, अर्थ धुरी पे चल रही है, धुरी पे घूम रही है, चांद घूम रहा है, दमा कुछ नहीं हुआ, खत्म हुआ है। आपको लगता है बस जी ये रिश्ता टूट गया खत्म, इस इम्तिहान में नंबर आ गए तो खत्म, जिंदगी खत्म हो गई अभी। अरे वो लंबी बातें हैं, फेसबुक में पोस्ट किया 400 लाइक आए, मेरे साथी के 500 लाइक आए, तो मैं तो पंखा ढूंढ रहा हूं अपने को लटकाने के लिए। अरे मेरे तो लाइक कम आए हैं, ये ईर्ष्या नहीं। हालांकि बात यही होती है कि क्या कहते हैं, बात यही होती है इस दुनिया में, बड़ी भारी बात यह है। तो क्या कह रहे, उसकी कमी मेरी कमी सफेद कैसे, ये होता है। पर इसको बचने का एक ही तरीका है, वही मैं क्या बनूंगा नहीं, क्या करूंगा। तो क्या करूंगा तो एंडलेस गेम है, गरीबी हटानी तो बड़ा लंबा काम है, खत्म नहीं होने वाली, इतने प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि तो गरीबी ये मतलब क्या प्रॉब्लम, कहते हैं गाना था पुराना पिक्चरों में कि तुम मुझे चाहोगी ना चाहोगे तो, ना चाहोगे तो प्रॉब्लम नहीं, पर दूसरे को गैर को चाहोगे तो प्रॉब्लम मुश्किल होगी। ना चाहोगे तो कोई बात नहीं, पर दूसरे को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरी मर्सिडीज मेरे, उसके बाद मारुति कैसे आ गई यार, मारुति कार आ गई छोटी सी, तो मेरे को उसकी जलन है। तो ये हमारे धर्म में ही आता है ना, काम क्रोध मोह ईर्ष्या, ईर्ष्या ईर्ष्या जो अगर आप करेंगे तो आप नेगेटिव इमोशन में फंस रहे हैं। ये हमारे धर्म में अच्छी बातें दी हुई हैं, ये पर्सनैलिटी की बातें हैं। तो ईर्ष्या आप इसलिए अगर बचने के लिए करें कि भाई मैं तो अपने तरीके से जा रहा हूं, मैंने क्या क्या करा है, क्या पाना है, दो करना भी पाना भी, पाना तो आप सेकेंडरी आएगा अपना आप, कहीं रुकता नहीं है। तो एनीवे समरी में ये कह, अभी ये 2 बज गए हैं, मेरा तो थॉट स्टार्ट तो मैं 10 मिनट लेट किया है, पर ये है कि मेरा और कुछ अपॉइंटमेंट है तो मैं छोड़ूंगा इसको भी 2-3 मिनट में। तो फुल लाइफ लर्निंग का एटीट्यूड अगर आपने नहीं रखा तो काम चलेगा नहीं। और आपको समरी स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या बताए, डेली कुछ 3-4 पेज आप खुद बियॉन्ड योर सिलेबस पढ़ें, और ये चलता है हो गया, ये एटीट्यूड बिल्कुल छोड़ दें। और इस समरी में क्या है, मैं फिर लास्ट में समराइज ये करता हूं, पर्सनैलिटी जो है इसके 10-15 पॉइंट्स हैं, अगर इनको लिस्ट करूं मैं तो सबसे पहले आपका ड्रेस, ये प्रत्यक्ष पॉइंट है, आपकी बेयरिंग किस तरीके से है, स्मार्ट बेयरिंग, फिर आपकी लैंग्वेज में बोलने का, आपकी वोकैबुलरी, बोलने का तरीका, हड़बड़ा के बोल रहे हैं कैसे इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। उसके बाद मैनर्स, आपके मैनर्स कैसे हैं, आपके प्लीजिंग मैनर्स, और उसके बाद पंचुअलिटी, उसके बाद आप बोलते कुछ है कथनी करने में गैप, ये भी आपकी पर्सनैलिटी का पॉइंट है। और दूसरा अटेंशन टू डिटेल, हमारी बड़ी भारी प्रॉब्लम है, हो गया ठीक है, अटेंशन टू डिटेल, आप चीज को देखेंगे डिटेल से, देखें ऊपर ऊपर से मत देखें, हवाई फायर कर से आप चीज कैसे नहीं हो सकते,
छोटी छोटी बातों में कहीं कुछ बोला, अच्छा भाई मैं आपको आधे घंटे में फोन करता हूँ, वो अरे कहा नहीं है पिक्चर में, अरे यार मैं 5 मिनट में रुको मैं आधे घंटे में आता हूँ, हमारा ये सिस्टम है 5 मिनट रुको आधे घंटे में आता हूँ, हमारे मन में पक गया है सीन। तो अटेंशन डिटेल और ये प्रत्यक्ष से और परोक्ष होता जा रहा है, और एटीट्यूड, एटीट्यूड में इनिशिएटिव, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, कंट्रीब्यूट, कोऑपरेटिव एटीट्यूड। तो आपने ये चीज लेके आप चलेंगे, और एटीट्यूड में ये चीज एक और है, लास्ट एटीट्यूड सबसे बड़ी बड़ी बात जो आपको बताया, डायरी बनाओ, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, और एंड कंट्रीब्यूटिंग इन एनवायरमेंट। आप सुबह आए तो या आपके समाज में, आपके माता पिता के प्रति, आपकी संस्था के, शिक्षण संस्था के प्रति, ऑफिस के प्रति, दुनिया, आपने कुछ नया कंट्रीब्यूट किया, कुछ नई चीज बढ़ाई, योगदान दिया, तो ये चीजें जो है ये आपकी पर्सनलिटी दिखाती हैं, ये पर्सनलिटी निकलेगी तो सूनर और लेटर आपको पद, प्रतिष्ठा, पैसा, प्रसिद्धि सब मिलेगा। धन्यवाद। अभी मैं आई कैन टेक फ्यू क्वेश्चन, 5 मिनट 7 मिनट कुछ और क्वेश्चन हो, क्वेश्चन ना हो तो एक बार मैंने एक्चुअली डॉक्टर आबा खरे को लिखा था कि सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, तो मैं 10 दिन पहले भी मेरे एक वेबिनार में था, अब मालूम नहीं पड़ता है कि वीडियो तो बंद है, लोग हैं कि नहीं है, वो चंपत हो चुके हैं, आई डोंट नो। तो अगर वीडियो ऑन हो, ऑडियो ना हो ऑन, तो मुझे पता लगता है लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या मौजूद है, तो अगर आप वीडियो ऑन करें, सब लोग सुन रहे हैं, तो मुझे समझ आएगी, बहुत मेहरबानी डॉक्टर आभा करें, और लोग जो सुन रहे हैं तो मुझे ये टेस्ट होगा, सुन रहे हैं कैसे पता लगेगा वीडियो ऑन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने खोल दिया, वीडियो खुल गया है, और भी खोल, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, 65 लोग हैं अभी, तो मैं कुछ अभी बताइए सवाल सुन, हाँ थैंक यू सर, आपका लक्ष्य थैंक यू सर, आपने बहुत ही रोचक तरीके से अपने जानकारी साझा की, साथ ही आपने सभी पार्टिसिपेंट्स को यह बताया कि हर व्यक्ति को ये सोचना है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या छुपा है, और इस हेतु हमें विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज करने की आपने जानकारी दी। आपको अपने काबिलियत, ज्ञान को डील करने का तरीका, इसके लिए आपने अपने आप को विकसित करने की प्रेरणा दी। आपने ये बताया कि हम ध्यान करें, प्रतिदिन 3 पेज लिखें, रुचियों को बढ़ाएं, और साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए CDCA पर विशेष ध्यान दें, प्लानिंग, डू और चेक एंड एक्ट, ये 4 फैक्टर्स आप करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आप ये करें कि मुझे क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर विशेष